गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और मम्मी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर कोहरा हो ना तो शॉल वगैरह ओढ़ जाना। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पे धूप निकली है, तो उनको बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ। आप लोग खुद देखो, ऐसा लग रहा है ना धूप निकली हुई है और इस साइड भी धूप का रिफ्लेक्शन है, तो कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा होगा। तो आज भी जल्दी उठ गई हूँ मैं, और हम लोग के एग्ज़ाम्स भी पास में आ रहे हैं ना, तो हम लोग की कोई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुबह हम लोग उठो और स्कूल बोल रही हूँ मैं, कॉलेज भी जल्दी का है तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ता है, और फिर शाम को 4 बजे पहुँचो, फिर खाओ पियो आराम करो। पहुँचने में भी टाइम लग जाता है, मतलब 5-5 बज जाता है, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करना, फिर आराम करना, फिर मतलब इतना हो ही जाता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो वो भी सब देखना पड़ेगा कि कैसे क्या पढ़ूँ मैं। अगर आपके पास कोई टिप हो टाइम मैनेज करने की तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि 100 व्लॉग जब मेरा आएगा तो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो 100 व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कोई व्लॉग देखिए या ना देखिए, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा स्पेशल करूँगी, एक दिन पहले इसको सेलिब्रेट कर लूँगी 99 व्लॉग पे ही, क्योंकि जिस दिन मेरा 100 व्लॉग आएगा ना उस दिन मंडे रहेगा और उस दिन मुझे कॉलेज जाना होगा, तो उस दिन तो नहीं हो पाएगा, एक दिन पहले ही सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं क्या ही कर सकते हैं, जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। कपड़े भी मेरे सूख गए अच्छे से। फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा टाइमली निकली हूँ कॉलेज के लिए, तो होप सो कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी कॉलेज। तभी चलती हूँ जल्दी जल्दी, बाद में मिलती हूँ मैं आपको। ये भी बना था मेरे यहाँ। सेम। तुम खोलो ना सब्जी, सब्जी दिखाओ। दिखा देंगे अभी शक्ल। दिखा दो। वाह so beautiful, so elegant. स्कूल नहीं लाए जा रहे। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे की जिंदगी सरकस। सो फ्रेंड्स अभी मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ और बस मैं 2 मिनट के अंदर हॉस्टल पहुँच जाऊँगी अपना, फिर जाके चाय पीऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है 2-3 दिन से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अभी मिलती हूँ आपको डायरेक्ट हॉस्टल पे। मैंने चाय तो पी ली है और मुझे याद आया कि जो मेरे स्कूल की ड्रेस का ऊपर का वो कुर्ता नहीं होता है, वो मैंने नया वाला निकाल के पहना था, और जो पुराना वाला था वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ पे बैठ गई थी तो पीछे उस पर पूरा तेल लग गया था। तो अभी मैं ना गर्म पानी इधर लेने आई थी गीज़र से, तो गर्म पानी लेके चलती हूँ और थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के उसको डिप करके रख दूँगी और कल आके उसको अच्छे से खंगाल दूँगी। तो गर्म पानी के वैसे भी आंटी पैसे लेती हैं तो हम लोग यूज़ ही कर लेते हैं पानी, तो चलती हूँ लेके। और ये देखिए अभी दीदी ने ना अगरबत्ती जलाई है, तो रूम में ना थोड़ी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, इसलिए फ्रेग्रेंस के लिए दीदी ऐसे अगरबत्ती जला देती हैं। तो चलती हूँ मैं, जल्दी से वो भिगो देती हूँ। और आज मैं 2-3 पेज लेके आई हूँ A4 वाले, क्योंकि अभी मैंने पूरा बंडल नहीं खरीदा है, तो वैष्णवी से ही मैंने थोड़े से ले लिए थे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना असाइनमेंट बनाना, तो वैसे भी कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ पता नहीं है कैसे क्या बनेगा, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं, देखा जाएगा जो जो उसमें लिखना होगा धीरे धीरे लिखते रहेंगे। सो अभी मैंने अपने ड्रेस को तो भिगो दिया है, तो अभी चलती हूँ मैं, दूध वगैरह ले आती हूँ पीने के लिए, थोड़ा और भी सामान लाना है दुकान पे से। सो
सो फ्रेंड्स, अभी मैंने सामान तो ले लिया है और एक मुझे मफिन भी पसंद आ गया था तो वो भी ले लिया मैंने। तो ये सब लेके चलते हैं हॉस्टल, और जब दीदी आएंगी ना तो उनसे कहूँगी कि दूध उबाल दीजिए क्योंकि स्टोव जलाना तो आता नहीं है। सो जब मैं मफिन लाई हूँ ना, इसको खाती हूँ, बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ। लिटरली कम से कम मुझे एक साल तो हो ही गया है मैंने ये नहीं खाया है। खाती हूँ इसको, और मैंने इसको खा के देखा, ठीक है, मतलब इतना टेस्टी नहीं है जैसा हाँ मैंने लास्ट टाइम जो घर पे खाया था ना वो ज़्यादा टेस्टी था। मतलब कुछ खास फ्लेवर नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे एकदम से याद आया ना कि जो मैंने कपड़े धो के ऊपर सूखने के लिए डाले थे तो वो अभी तक ही ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं जाके उनको नीचे ले आती हूँ। 2 दिन तो हो ही गए हैं, तो इनको ऊपर पड़े पड़े 2 दिन हो गए थे और ये अच्छे से सूख गए हैं, तो अभी मैं कपड़े उतार लेती हूँ। ठंडे ठंडे से हो गए हैं कपड़े। और मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, हमारे कॉलेज की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो अभी मेरे पास मैसेज आया था कि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, तो क्लासेस तो 10 बजे से स्टार्ट होंगी, बट हम लोग को थोड़ा जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ, कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही जाऊँगी, तृप्ति के साथ में, और मॉडल जो मैं आपको बता रही थी ना बनाने के लिए, हम लोग को सबमिट करना है मॉडल, तो उसका भी हम लोग कल सामान खरीदेंगे, और फिर हम लोग को संडे मिलेगा अगले दिन, तो संडे को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे मॉडल। हो सकता है तो तृप्ति भी आ जाएगी साथ में यहीं पे इधर ही हॉस्टल में बनाने के लिए, और अगर नहीं आ पाएगी तो मैं खुद ही बना लूँगी। छोटा सा ही मॉडल है, हम लोग का टॉपिक ना काफ़ी ईजी है, वह बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और जितना भी जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सब खरीद के मैं इधर ही रख लूँगी रूम पे, और यहाँ से ले जाने में थोड़ा आसान पड़ेगा। और जो बाकी के ग्रुप में मेंबर है ना मेरे, सब डे स्कॉलर का ही ग्रुप बना है, लेकिन वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो लाते लाते कहीं अगर वो टूट गया तो हम लोग की मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही रख लेती हूँ, मैं ही ले आऊँगी। तो और अभी खाने में भी मैंने पूछा तो आलू और गोभी की रसेदार सब्जी बनी है, दूध दूध लेके आई हूँ, अभी इसको गर्म करवा लूँगी दीदी से कह के। तो रसेदार सब्जी तो आपको वैसे ही पता है मुझे नहीं पसंद आती है, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ता ही है। सो फ्रेंड्स, मैंने दीदी से कहा था कि वो दूध बॉईल कर दें, तो दीदी बहुत हेल्प करती है मेरी, क्योंकि वैसे भी ये सारा काम मुझे तो आता नहीं है तो दीदी कर देती हैं। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इसके बाद अभी मुझे असाइनमेंट लिखना है, तो जितना हो पाएगा उतना लिख लूँगी, और ये वाला ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आज इंगेज नहीं थी मैं, काफ़ी लिमिटेड चीज़ें थी आज मैंने दिखाई जो ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। उठ गई हूँ मैं, क्या करूँ मैं।